जय। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि चुंबक शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए आप लोगों को याद करने का जो है बस ध्यान से सुनिए कि कहाँ से चुंबक शब्द का उत्पत्ति हुआ, कहाँ से आया। तो देखिए ईसा मसीह के 600 साल पहले की बात है, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 600 साल पूर्व की ये बात है। कब की बात है? जो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 600 साल पहले की बात है। एक देश है यूनान, और उस देश में एक द्वीप था। क्या था? यूनान देश में क्या था? एक द्वीप था, और उस द्वीप को क्या कहते हैं? मैग्नीशिया कहा जाता। क्या? मैग्नीशिया। देखिए जो यूनान देश है उस देश में आज से 600 साल पहले एक द्वीप था, और उस द्वीप को कहा जाता था मैग्नीशिया। तो वहाँ पर सब गणेरिया, गणेरिया का मतलब समझते ना आप लोग? तो गणेरिया का मतलब होता है जिसके पास गाय भैंस होती थी सब ना, बकरी वकरी चराने के लिए भेड़ ओड़, तो उसी गणेरिया का एक जात होता है गणेरिया का, और वही जात था सब। तो लोग क्या करते थे? इसी द्वीप पे जाते थे चराने के लिए अपने छेगड़ी बकरी जो भी था, तो लेके सब जाता था उस पर। तो जब वो लेके लोग जाते थे तो उनको डर लगता था। अब बताइए आर्यानी से समुंदर है, बीच में खूब बड़ा सागर पर्वत है, और उस पर कोई जाएगा तो डर तो लगेगा कि तेरी कहीं हम गिर जाएंगे तो हाथ गोड़ छूट जाएगा, कहीं मुंह फूट जाएगा, कहीं दांत टूट जाएगा, डर लगता था उन लोगों को। तो लोग क्या करते थे? उन्होंने सोचा कि अरे यार हम लोग बहुत दिन से जाते हैं, डर लगता है, कभी कोई गिर के मर जाता है, कहीं कोई छेगड़ी बकरी हमारी मर जाती, कोई भेड़ मर जाती है। तो उन लोगों के मन में एक प्लान आया, एक विचार आया। उन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि हम कुछ ऐसा पहन के उस पर जाएंगे ताकि जहाँ हम अपना पैर रखेंगे तो वहाँ से हमारा पैर फिसलेगा नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया? जूता बनवाया। और जूता किसका बनवाया? तो लोहे का उन लोगों ने जूता बनवा दिया। अब देखिए लोहा का उन लोगों ने जूता बनवाया, जैसे देखिए स्पोर्ट में सब नहीं खेलता है तो जूते के नीचे इतना इतना बड़ा का क्या लगाता है, ऐसे कील टाइप का लगा होता है ताकि कहीं से सरके ना, स्लिप ना खाए। और उन लोगों ने जो गणेरिया थे उन लोगों ने क्या किया, खूब लोहा का जूता बनवाया और उसके नीचे इसे कील लगवाया ताकि वो अगर पत्थर पे हम पैर अपना रखेंगे तो हमारा पैर क्या होगा, फिसलेगा नहीं। और वो लोग क्या किए, लेके अपने भैंस गोरू को उस पर लेके चराने लगे। तो जब चराते थे वो लोग तो जब ऐसे अपना पैर रखते थे ना तो लगता था कि कौन नीचे से क्या रहा है, खींच रहा है। उनको डर लगता था, दांत तेरी लग रहा कौन भूत पिशाच आ गया काई में हमको खींच रहा है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा। तो उन लोगों ने सोचा आखिर पहले हम लोग आते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से जूता हम लोग पहने हैं लगता है यह ससुर का अनाज कुछ गड़बड़ी कर दिया है। जब वो लोग चलते थे तो धाई धाई खींचता था उसको नीचे से। इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो गया और वो लोग अपने गांव पे आए तो हल्ला लोग करने लगे कि अरे बाप हम लोग जब जाते हैं जहाँ द्वीप पे चराने के लिए अपना गाय भैंस, पता नहीं क्या तरवा खींच लेता है हम लोगों को, जब पैर रखते हैं तो चट चट करता है, हमारा पैर नीचे की तरफ जाता है। तो लोगों को डर, तुम लोग झूठ बोलते हो। उस समय भी लोग थे क्या करते थे, नहीं मानते थे किसी के बात को, जैसे आजकल का लोग नहीं मानता कहता सब झूठ बोलता है सब। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, बात को उन लोगों को नहीं मानते थे। तो उन लोगों ने कहा कि अगर नहीं विश्वास है आप लोग चलो। कुछ ज्ञानी लोग थे जो मतलब ज़्यादा जानते थे, वो लोग कहें ठीक है चलो हम भी चलते हैं। और वो लोग गए उस द्वीप पे, और जब ये लोग उस द्वीप पे गए तो उन्होंने कहा ठीक है हमको अब दो जूता। और जब ये लोग जूता पहने तो कुछ नहीं क्या हो रहा था, खींच रहा था उन लोगों को। तो सब लोगों ने सोचा कि ये भूत प्रेत तो कुछ नहीं है, आखिर इसके अंदर से कैसे जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे खुदाइया चालू होने लगा। क्या होगा? जब उन लोगों ने क्या किया, उस पत्थर को खोदना शुरू किया तो उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ निकले जो लोहे से बनी हुई वस्तु को क्या करता था, खींच लेता था अपने। यानी कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो लोहे से बने हुए वस्तु को क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था, यानी क्या करता था, उसको खींच लेता था। और उसे क्या, जब उन लोगों ने खोदा तो उसको जब पाया तो उन्होंने क्या उसका नाम रख दिया, मैग्नेट। क्या नाम रखा गया? मैग्नेट। अब कुछ दूसरा मिला होता तो कुछ दूसरा नाम रख दिया गया होता, लेकिन जब उसका खुदैया हुआ तो जो भी लोहे का चीज़ था ना उसको क्या करता था, सट से खींच लेता था अपनी तरफ। तब उन लोगों ने उसका नाम रख दिया मैग्नेट। क्या नाम रखा? मैग्नेट। और मैग्नेट उस लोगों ने उसका नाम रख दिया। तो लोहे का जो वस्तु था क्या करता था, खींच लेता था। अब सोचिए अगर चुंबक रहेगा, चुंबक इतना दूर पे है और लोहा है ऐसे है तो क्या करेगा, चुंबक रहेगा सब ऐसे लोहा खचाक से खींचेगा, खींचेगा ही नहीं खींचेगा, ऐसे देखिएगा ऐसे खींच लेगा। लेकिन इसी चुंबक को ना आप उसका ऐसे मुंह ऐसे पलट दीजिए, जब ऐसे आप करेंगे तो यह लगेगा भागने, भागता कि नहीं भागता है। तो जो चुंबक था खींच लेता सब से, तो उन लोगों ने उसका नाम रख दिया मैग्नेट। और जब उनका नाम उन्होंने रख दिया मैग्नेट,
और उसी के बाद से यानी चुंबक शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ तो चुंबन का, किसका? चुंबन यानी पप्पी चुम्मा, है ना, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा गाना है ना, तो किसका उत्पत्ति हुआ? तो चुंबक से किसका उत्पत्ति हुआ? तो चुंबन का उत्पत्ति हुआ। अब कैसे इसका उत्पत्ति हुआ? अब देखिए दोनों एक ही बात है। अब मान लीजिए आप कहीं लड़की को किसी बातचीत करते हैं और रात को अगर 12 बजे फोन आ गया कि थोड़ा आइए, तो क्या होगा? लड़का सब ऐसे रात बिरात कुछ चुप सुतर रहेगा, ऐसे आँख मुँह के एकदम ढिमलाएगा और तुरंत फोन आ गया और नहीं देखेगा, रात ही बिरात तुरंत दौड़ते हो, क्या होगा? लोग चल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन लोगों में आकर्षण होता है, क्या होता है, खींचाव आता है उन लोगों में। एक जगह बुलाती है तो तुरंत रात ही भागता है, जमाना पाएगा साइकिल फाइकिल उबड़े खबड़े पत्थरे ऊँचे कहीं भी भाग जाता सब। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन दोनों में क्या होता है यानी आकर्षण शक्ति काम करता है। और देखिए लोहा और चुंबन में क्या होता है, उन दोनों में भी आकर्षण शक्ति होता है। अब लोहा है चुंबक लाएगा तो सट से भी क्या हो लेता है, चपक लेता है। तो सब लोगों ने सोचा कि जैसे चुंबा यानी जो चुंबक है लोहे को आकर्षित कर लेता है, उसी पर क्या होता है चुंबा आदमी को खींच लेता है, खींचता ही नहीं खींचता है। तो सब लोगों ने कहा कि चुंबक क्या हो गया, चुंबन का उत्पत्ति हुआ गया। जैसे अब कोई भी आदमी जाएगा तो क्या होता, आकर्षित होता कि नहीं होता, किसी भी चीज़ से आकर्षित होता है। तो उन लोगों ने कहा जिस तरह से लोहा और चुंबक एक तरफ से आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार इंसान में क्या होता है, चुंबन में क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। तब उन लोगों ने क्या रख दिया, तो रखा उन्होंने चुंबन से किसका नाम रख दिया, चुंबक से किसका नाम रख दिया, तो चुंबन यानी पप्पी का। अब देखिए चुंबक दो प्रकार के होता है, यानी कितने प्रकार का होता है, तो जो चुंबक होता है ना ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल। यानी क्या होता है, दो प्रकार से होता है, एक तो भगवान दे दे दांत तेरी के ले जाओ जितना मन करो, और एक होता है आदमी क्या करता है उसको कुछ भी चीज़ को मिला के अकड़म बकड़म कचरा फचरा मिला के क्या करता है, बना देता है। और एक जो प्राकृतिक के हिसाब से मिलता है, तो जो आदमी बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित आदमी के द्वारा बनाया गया, और जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल, जो क्या प्राकृतिक ने हमें दिया है। तो क्या हुआ चुंबक का, तो देखिए आज से ईसा मसीह के 600 साल पहले एक द्वीप था यूनान में, जिस द्वीप का नाम था मैग्नेशिया। और मैग्नेशिया द्वीप जब लोग जाते थे तो डरते थे, क्या करता था उनका जूता खींचता था, और जब उसका खुदैया हुआ तो ऐसा चीज़ मिला कि लोहे को क्या करता था अपने खींच लेता था, उसका नाम रखा गया मैग्नेट। और इसी चुंबक से क्या हुआ, चुंबा का उत्पत्ति हो गया। जिस तरह से चुंबक और लोहा एक तरफ से आकर्षित होता है, उसी प्रकार से क्या होता है लोग आकर्षित होते हैं, तो चुंबक से किसका नाम पड़ गया, चुंबा का। देखिए चुंबक दो प्रकार के होता है, मानव निर्मित और एक प्राकृतिक निर्मित, यानी जो इंसान कचरा वचरा जोड़ के बना देता है और जो प्राकृतिक हमें देता है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।